मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब, उलमा इकराम, इस जमीन के मदरसे के और इस मस्जिद की जमीन के ट्रस्टियान और मेरे परिवार के तमाम भी जिम्मेदारान और मेरे सामने मौजूद तमाम भी बुजुर्ग दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने आप लोगों की मौजूदगी में शेख रशीद साहब के नाम से आज हम लोग संगे बुनियाद की जमीन के ऊपर मस्जिद शेख रशीद का संगे बुनियाद रखेंगे। अभी उससे पहले हमारे साथियों ने बताया कि ये जमीन का मसला था। 2003 और 2004 में ये जो मंच पे जिम्मेदारान बैठे हैं, ये तमाम ही लोग शेख रशीद साहब के साथ में मिलकर और नसीम भाई राकेल वाले साहब ने जब ये लेआउट किया तो उस वक्त ये जमीन को नसीम भाई राकेल वाले ने मुनासिब दाम के अंदर इन लोगों को खरीदी ली और उस वक्त शेख रशीद साहब ने इन लोगों का भरपूर ताउन किया और ये जमीन खरीदी गई। शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद हम लोगों ने 40 गांव फाटे पर स्प्रिंग मिल वाले रोड के ऊपर, सर्विस रोड के ऊपर जमीन भी हम लोगों ने देख लिया था और सौदा भी मुकम्मल हो गया था। लेकिन फिर इन लोगों को पता चला कि मस्जिद शेख रशीद साहब के नाम की वहां तामीर हो रही है, फिर ये लोग हमारे अपने पास आए, बात रखी, हम लोगों ने परिवार में मशवरा किया और इन लोगों ने ये कहा कि उस वक्त शेख रशीद साहब ने जमीन खरीदने के लिए अपना जाती पैसा तकरीबन 3 लाख रुपया दिया था और ये जिम्मेदार ये चाहते कि यहाँ पे मस्जिद तामीर हो। तो उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब का बहुत ताउन रहा, अगर आप शेख रशीद साहब के नाम से मस्जिद तामीर करना चाहते तो यहाँ पर कर दें। तो हम लोगों का मशवरा हुआ और मशवरे में बात तय हुई और आज अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि हम लोग यहाँ पर संगे बुनियाद रख रहे। मैं आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आप लोग इस बाबरकत मजलिस के अंदर आप लोगों ने शिरकत की और इस बात का भी ऐलान करता हूँ कि ये तो परिवार मिलकर तामीर कर रहा है लेकिन कई साथियों का ये इसरार था, मुझको कहने लगे कि हम लोग भी चाहते हैं इसके अंदर हिस्सा लेने। तो हम लोग इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर जो भी इस मस्जिद की तामीर के अंदर आप लोग हिस्सा लेना चाहते हो तो जिम्मेदारान से आप लोग रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों का भी काम इसके अंदर लगाया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब ने ऐलान किया मेरे दादा मोहतरम के नाम से मरहूम शेख सफी मस्जिद का संगे बुनियाद इंशाल्लाह एक बार अली अकबर हॉस्पिटल के सामने इंशाल्लाह हम लोगों ने वो जमीन खरीदी और वहां पर एक प्लाट वहां के जिम्मेदारान के मशवरे से हम लोगों ने तय किया है और वहां पे हम लोग इंशाल्लाह संगे बुनियाद रखेंगे। और आप लोगों को पता है कि शेख खलील साहब मरहूम उन्होंने अपनी हयाती के अंदर ये ऐद किया था कि मैं एक यतीम बच्चियों का यतीम खाना बनाऊंगा और हम लोगों ने उनके सोच को उनके काम को आगे बढ़ाते हुए 6 महीना पहले हम लोगों ने संगे बुनियाद रमजानपुरा रयाने के अंदर रखा और अल्लाह का करम है कि एक स्लैब मुकम्मल हो गया, दूसरे की तैयारी चल रही है। वो 4 मंजिला इमारत होगी, उसके अंदर लिफ्ट होगी और तमाम ही इंतजाम वहां पर होंगे, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब तामीर होगा। इस तरीके से हमारा खानवादा इस लाइन से भी बहुत पहले से भी अभी भी और इंशाल्लाह आगे भी दीनी काम के अंदर हिस्सा लेता रहेगा और जो लोग भी हमारे अपने पास आते हैं कि मदद करने के लिए दीनी काम के अंदर, हम लोग शेख रशीद साहब ने हमको जो रास्ता बताया उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। आखिर में आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट ग्रास हेटलोन रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार डायमंड कारपेट।